दोस्तों एक कहावत सुनी है ना आपने कि फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो इसी को साबित किया है आदिपुरुष ने। इसका दोस्तों पहले तो ट्रेलर आया, अब जो है इसका फाइनल ट्रेलर जो है लॉन्च किया गया है, और जहाँ पे दोस्तों इसका प्री इवेंट रखा गया था ना उसको आप देख लो एक बार, उस वीडियो को आप देखना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरा एक घंटे का वीडियो है तो उसको पूरा देखो भाई, इतनी भीड़ जो जुटी है ना वहाँ पे, जितना क्राउड आया है ना, ये देख के लगता है कि भाई कितना फैन फॉलोइंग है प्रभास का। और ये जो मैंने कलेक्शन का प्रेडिक्शन अभी सारी वीडियो में मैं लगा रहा हूँ अपने चैनल पे, जितने भी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ उसके कलेक्शन के, मुझे लगता है कि जितना भी मैंने प्रेडिक्शन किया है उससे ज्यादा ही ये मूवी ऊपर जाएगी। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसके ट्रेलर की, तो भाई एकदम लाजवाब, मतलब कोई जवाब नहीं है। अगर इसमें इसमें गलतियां भी बहुत सारी है, अगर इसमें मान लो कि 50 अच्छाइयां हैं तो कम से कम 50 बुराइयां भी हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको अच्छाइयां के बारे में बताऊंगा कि इसमें अच्छा मुझे क्या लगा। और दोस्तों पहले बात करें फर्स्ट इम्प्रेशन की, तो भाई फर्स्ट इम्प्रेशन एकदम अच्छा रहा, क्योंकि भाई जैसे कि आप रावण का जिसमें वो सीन देखते हो कि वो भिक्षा मांगने आता है ट्रेलर में, तो वही सीन जो है इसमें रखा गया है और उसको जो है पूरा दिखाया गया है। भाई ये देख के अच्छा लगता है कि भाई अगर ये जो रावण का लुक आप जैसे देख सकते हो, रावण का जो लुक है जब वो भिक्षा मांगने जाता है, अगर भाई ऐसा लुक अगर मेकर्स ने पूरे फिल्म में रखा होता ना तो भाई एकदम कमाल हो जाता। पर ये गलती उन्होंने बहुत कर दी ना भाई, यही बस दिक्कत है। क्योंकि भाई अगर ये लुक आप देखो भाई कितना खुखार लुक लग रहा है, देखने में ही लग रहा है कि भाई रावण एकदम ऐसा ही होगा, क्योंकि लोग इमेजिन कर ले रहे हैं सैफ अली खान को रावण के रूप में, भाई एकदम परफेक्ट। इसमें गलतियां भी हैं इस सीन में जो कि आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बारे में बात करूंगा मैं दोस्तों अगले वीडियो में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना उससे पहले। और दोस्तों इस वीडियो का ना एक आप देखोगे कि इतनी छोटी छोटी गलतियों को जो नहीं दिखाना चाहिए उसको जो मेकर्स ने कट कर दिया है, उसको नहीं दिखाया है। बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो कि वो दिखा सकते थे, लेकिन मैंने कहा था ना कि ये इतने चालाक हैं, इतना चालाक ये लोग दिमाग लगा रहे हैं ना कि भाई जो इन्होंने टीजर में गलती किया था पहले 2022 में लॉन्च करके, वो गलती अब जो है ये लोग नहीं करना चाहते हैं। ये पूरा जो है सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि भाई थोड़ी सी गलती फिर उनको ट्रोलिंग नेगेटिविटी ये सब चीजों का जो है सामना करना पड़ेगा। तो अगर उससे बचना है तो भाई यही सबसे बढ़िया उपाय है कि ट्रेलर को इस प्रकार से बनाओ कि भाई देखने में ही ऑडियंस को मजा आ जाए, और बाकी तो ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो बजता है पीछे वो तो भाई अलग ही काम कर देता है अपना। और दोस्तों जो है पर्सनली मुझे एक मेकर से सवाल करना है, अगर उनके कई मेकर्स मुझे मिल गए ना तो मैं ये कहूंगा कि भाई क्या रावण को हमको देखने के लिए मुंह दिखाई देना पड़ेगा क्या? क्योंकि भाई आप ये देखिए उसको बिल्कुल ही रिवील नहीं किया गया है, जो भी 5-10 सेकंड का सीन है जो कि ट्रेलर में ही था जो कि अच्छा सीन है, उसके बाद कोई भी सीन नहीं दिखाया। लास्ट में एक सीन दिखा हम लोगों को, उसमें भी उसका मुंडी गायब था, उसमें भी बस हाथ पैर ये सब चीजें दिखाई गई। तो भाई मुंह दिखाई के पैसे लोगों को क्या है, बस यही पूछना है। बाकी और इसके ऊपर वीडियो आएगा तो उसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।